आज हम कक्षा 11वीं में राजनीति विज्ञान में अध्याय 4 कार्यपालिका का अध्ययन करेंगे। आपको मालूम है सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो इस वाले पार्ट में हमें क्या पढ़ना है कि हमारे देश में या जहाँ भी राजनीति से संबंधित संसदीय और राष्ट्र प्रणाली की कार्यपालिका में क्या अंतर है, हमारे देश में कौन सी कार्य प्रणाली है, भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति समझेंगे, मंत्रिपरिषद का निर्माण कैसे होता है, उनके कौन कौन से कार्य होंगे, प्रशासनिक मशीनरी के महत्व और कार्यों के बारे में पढ़ेंगे, नौकरशाही में किस प्रकार व्यवस्था रहती है। तो प्रशासन या प्रबंधन क्या है, किसी भी संगठन हो, कोई भी गठन हो, उसमें एक प्रमुख व्यक्ति है जिसको निर्णय लेना पड़ता है और उनको लागू करवाना पड़ता है, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रशासन या प्रबंधन। चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे राजनीति में हो। कार्यपालिका क्या है, जो सरकार के जो नियम बने हुए हैं उन नियमों को, कायदों को लागू करवाता है और प्रशासन का कार्य भी करता है, और उसे हम कहते हैं कार्यपालिका। तो कार्यपालिका को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका अधिकतर 5 या 6 वर्ष के लिए होती है। तो सरकार का प्रधान, जैसे प्रधानमंत्री और उनके मंत्रीगण, वो राजनीतिक कार्यपालिका में आते हैं। और स्थायी कार्यपालिका में परीक्षाओं के माध्यम से विशेष निपुण व्यक्ति चुने जाते हैं, जो कि सिविल सेवा के सदस्य हैं और वो दैनिक जीवन में होने वाले रोज प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कार्यपालिका को 2 भागों में बांटा, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। कार्यपालिका के हम ये प्रकार भी देख सकते हैं यहाँ पर। ये सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली, इसको भी 2 भागों में बांटा, संसदीय और अर्ध अध्यक्षात्मक। और एक व्यक्ति केवल नेतृत्व करता है, उस प्रणाली को हम बोलते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो यहाँ आप इनके बारे में देखेंगे। तो जो संसदीय प्रणाली है, इसमें जो सरकार है उसका जो मुखिया है वो प्रधानमंत्री होता है। और ये प्रधानमंत्री कैसे चुनते हैं, यह विधायक में जो बहुमत दल रहता है उसका नेता होता है और ये विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। तो देश का प्रमुख इनमें से कोई भी हो सकता है, या राजा, राष्ट्रपति भी रहता है इसमें, जो कि नाम मात्र के रहते हैं। वास्तविक कार्यपालिका वो ये प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर है। अर्ध अध्यक्षात्मक, इसमें भी राष्ट्रपति देश का मुखिया होगा और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। और जो प्रधानमंत्री होता है और उसका पूरा मंत्री परिषद, वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। अध्यक्षात्मक में एक राष्ट्रपति होता है, यहाँ प्रधानमंत्री नहीं होता है, वही सरकार का प्रमुख होता है। और राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से होता है, पूरी जनता उसमें भाग लेती है और विधायिका के प्रति उसकी कोई भी जवाबदारी नहीं रहती है। तो इस प्रकार राजा, मतलब या पहले राजा होते थे या राष्ट्रपति, इस संवैधानिक राजतंत्र संसदीय गणतंत्र में राष्ट्रपति है और ये औपचारिक शासन प्रमुख है, नाम मात्र के शासन प्रमुख इनको माना जाता है। अब हम पढ़ेंगे भारत में संसदीय कार्यपालिका। भारत में कार्यपालिका में जो संविधान है हमारा, जो बना था अभी बाद वाला, उसमें 1919 और 1935 के अधिनियमों का वो भी लिया गया। कार्यपालिका विधायिका या जनता के प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेही होती है और उससे नियंत्रित भी करती है। राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों स्तर पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया गया है भारत में। इसमें एक राष्ट्रपति होता है जो नाम मात्र का औपचारिक प्रधान है,
प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ये राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को चलाते हैं और जितने भी राज्य है राज्यों के स्तर में राज्यपाल होता है और मुख्यमंत्री और उसका पूरा मंत्री परिषद। इस प्रकार हम देखते हैं कि संसदीय कार्यपालिका जो भी वर्तमान में हमारे भारत में है तो उसमें इस प्रकार ये पद निहित होते हैं। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति को संघ ने बहुत कार्यपालिका शक्तियाँ दी गई हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वो जो मंत्रिमंडल बनता है मंत्रिपरिषद के माध्यम से इन शक्तियों का प्रयोग करता है और 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लगाया जा सकता है वो भी संसद के विशेष बहुमत से। राष्ट्रपति के कुछ विशेषाधिकार हैं ये देखिए इनको एक एक को हम समझाते हैं कि जब मंत्रिपरिषद की सलाह से कोई भी अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं तो से मंत्रिपरिषद ने कोई सलाह के लिए राष्ट्रपति को दिया तो वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं और अपने विवेक के आधार पर अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। राष्ट्रपति को वीटो की शक्ति भी प्राप्त होती है। वीटो का अर्थ होता है निषेधाधिकार मना करने का अधिकार। वो कोई भी विधेयक को कोई भी सलाह को मना भी कर सकता है। फिर है संसद द्वारा पारित विधेयक की स्वीकृति राष्ट्रपति को देना पड़ता है तो स्वीकृति देने में वो विलंब भी कर सकते हैं और मना भी कर सकते हैं केवल धन विधेयक को छोड़कर। धन विधेयक को तो स्वीकृति देना ही पड़ता है राष्ट्रपति को यदि वो संसद में पास हो गया है। लोक और विशेष अधिकार राष्ट्रपति का विशेष रोल तब होता है जब लोकसभा चुनाव में जब किसी नेता को बहुमत प्राप्त ना हो और प्रधानमंत्री का चुनाव करना है तो राष्ट्रपति अपने विवेक से विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री को चुन सकता है। अब हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति में का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें वैसे ही होता है राष्ट्रपति जैसा लेकिन उसमें विधानसभा के सदस्य नहीं होते और जो उपराष्ट्रपति है वो विधानसभा का अध्यक्ष भी होता है। राष्ट्रपति का पद यदि रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद धारण करना पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद कि कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। तो लोकसभा में किसी भी नेता को बहुमत का समर्थन हो तो वो प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है और उसके बाद मंत्रियों को उनकी वरिष्ठता राजनीतिक महत्व के आधार पर मंत्रिमंडल का मंत्री राज्य मंत्री या उप मंत्री बनाया जाता है। प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। यदि मान लो प्रधानमंत्री कभी अकस्मात बन भी जाते हैं मंत्री तो उन्हें 6 महीने के अंदर संसद का चुनाव लड़ना पड़ता है मतलब उसका सदस्य होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे राज्यों में लोकतांत्रिक कार्यपालिका। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है वैसे राज्यों में भी एक राज्यपाल होता है। विधानसभा में बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री बनता है। यह था राज्यों के बारे में। ये थी अपनी राजनीतिक कार्यपालिका। अब हम पढ़ेंगे स्थायी कार्यपालिका नागरिक सेवा हेतु। आजकल इसे एक नया नाम भी दे दिया है नौकरशाही। तो जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है वो कुछ समय के लिए रहती है अस्थायी रहती है बदलती रहती है लेकिन शासन के जो कार्य दैनिक होते हैं लोक सेवाओं में जो कर्मचारी होते हैं वो राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा लिए गए राजनीतिक निर्णयों और बनाए गए कानूनों को वास्तविक रूप से लागू करके शासन चलाते हैं। इन पर राजनीतिक कार्यपालिका में हुए परिवर्तन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है
और ये सेवा निवृत्ति होने तक अपने पदों पर बने रहते हैं। इसलिए लोक सेवकों को स्थायी कार्यपालिका और इन कर्मचारियों को लोक सेवक कहा जाता है। ये अपने अपने विभागों में निरंतर कार्य करते रहते हैं और विशेष योग्यता प्राप्त हो जाती है और ये शासन के कार्यों में बहुत मदद करते हैं। लोक सेवकों की आलोचना करने या लोक सेवकों पर व्यंग्य करने के लिए इन्हें नौकरशाही के रूप में याद किया जाता है, ब्यूरोक्रेसी। जो स्थायी कार्यपालिका होती है वो योग्यता के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग, UPSC आदि एग्ज़ाम होते हैं, राज्य सेवा आयोग, परीक्षाओं के माध्यम से इनमें प्रतियोगिता आयोजित की जाती है और उनसे ये चुने जाते हैं। इनका कार्यकाल या तो 60 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक रहता है और यदि भ्रष्टाचार की उपस्थिति में सरकार इसे हटा भी सकती है। सिविल सेवाओं का वर्गीकरण, मतलब ये कौन कौन से पद, तो ये अखिल भारतीय सेवाएं, भारतीय प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा, केंद्रीय सेवा में भारतीय विदेश सेवा, भारतीय राजस्व सेवा और प्रांतीय सेवा में बिक्री कर अधिकारी, इस प्रकार ये इन्हें पदों का निर्धारण किया जाता है। अब जो स्थायी कार्यपालिका है ये इनका बहुत महत्व है कि आधुनिक प्रशासन की आधारशिला स्थायी कार्यपालिका पर ही निर्भर करती है और ये सरकार की जितनी नीतियाँ उनको जनता तक पहुँचाती है, कल्याणकारी राज्य में पूरा करती है। इस प्रकार स्थायी कार्यपालिका जो है सिविल सेवा, ये शासन की क्या है, रीढ़ है। ये जो इसके जो सदस्य होते हैं वो राजनीति से दूर होते हैं और राजनीतिक पदाधिकारियों की नीतियों एवं कार्यक्रम को जो बनाए हुए हैं कानून नियम, उनका अच्छे से पालन करवाती है। तो हम देखते हैं कि कार्यपालिका सरकार की एक शक्तिशाली संस्था है। सभी प्रकार की सरकारों में सरकार के जितने भी अंग हैं कार्यपालिका ज़्यादा शक्तिशाली होती है और इससे कार्यपालिका पर लोकतांत्रिक नियंत्रण की आवश्यकता बढ़ जाती है। हमारे जो संविधान में बनते समय संविधान निर्माता थे, उन्होंने कार्यपालिका को विधायिका के नियंत्रण, नियमित और देखरेख में रखा। एक संसदीय कार्यपालिका का चयन किया गया, पहले से ही उसमें अपने संविधान में लिख दिया गया था समय समय पर चुनाव होना, शक्तियों के प्रयोग पर संविधानिक अंकुश और लोकतांत्रिक राजनीति ने सुनिश्चित किया कि भारत में कार्यपालिका अनुत्तरदायी ना होगी, मतलब कार्यपालिका ही सही रूप से क्रियान्वित करेगी। धन्यवाद।